खबर 24 लाइव न्यूज। माइलपुर बहरती से ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी विजय लाल की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जौनपुर गोरखपुर में भाजपा सांसद रवि किशन ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा की कड़ी निंदा की। दिखाते हैं यह रिपोर्ट। हम इसको सबसे बड़ा धरती पर हुआ पाप देखते हैं। तिरंगे का अपमान, मतलब इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। माँ भारती का अपमान। तिरंगे के लिए हम लोग जीते हैं, तिरंगे के लिए हम लोग मरते हैं, और उस तिरंगे का अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा इस मोदी जी की सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अभी भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार अभी भी उनका प्रदर्शन जारी है, अभी वो पीछे सब ध्वस्त हो गए सारे। अभी जो होंगे, जो रियल किसान नेता थे, सब अपना अपना पश्चाताप में निकल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस जिस तरह से 100-150 पुलिस नाले में गिरी, ट्रैक्टर चढ़ाया गया, महिला पुलिस पर डंडे बरसाए गए, तलवार निकाली गई, ये कौन सा आंदोलन हुआ? सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, झंडा एक हमारा तिरंगा उतार दिया गया, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता? क्या ये किसान लोग थे कि ये बाहरी तत्व थे, ये अराजक तत्व थे, ये देशद्रोही मानसिकता के लोग थे? क्योंकि जब मैंने पहले भी कहा था तो हम पर ये लोग काफी हमको नोटिस भेजे, जब मैंने पहले भी कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लग रहा है, इसको कौन सा विदेश कंट्री, कौन सा हमारा दुश्मन देश फंड कर रहा है, ये कौन लोग हैं जो भीड़ के पीछे पगड़ी पहन के साफा पहन के बैठे हैं? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसानों को पहचानता हूँ, मैं किसान के दुख को जानता हूँ, मैं किसान के दर्द को जानता हूँ, इसीलिए बोलने का अधिकार। तो हमको ये लोग मार नोटिस भेज दिए, भेज रहे हैं, अभी भी भेज रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं था। 26 तारीख को पूरे देश के सामने वो चेहरे बेनकाब हो गए, जो चेहरे, और धन्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, उन्होंने कोई गोली चलाने का कोई ऑर्डर नहीं किया, नहीं तो ध्वज उतारने के समय, ध्वज का अपमान करने के समय आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति बेकाबू हो सकता है, अगर पुलिस में है, फोर्स में है, आर्मी में है, जवान है, जिसके पास बंदूक, लेकिन एक गोली नहीं चली उसने। लेकिन उसके एवज में क्या हुआ, मार पुलिस वालों को मारा गया, बहुत मारा गया, इतना मारा गया कि आप सोचो, आप वो विजुअल देख नहीं सकते। तो ये बहुत दुखद रहा, बहुत पीड़ा हुई। आंदोलन करिए, आपको कोई मनाही नहीं है, डेमोक्रेसी है, आजाद हिंदुस्तान है, लेकिन आप मारिए पीटिए, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को उतार के फेंक देना, ये माफी नहीं। अभी ये टिकट का बयान आ रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग थे, ये अभी कुछ भी बोले और सारी चीजें आ जाएंगी, FIR दर्ज हो रहा है, सारी CCTV फुटेज है, सारे चेहरे पहचाने जाएंगे, वो हर चीज कैमरे में कैद है, वो कुछ भी कहें कैमरे में हर चीज का कैद है, कौन खंबे पर चढ़ा, कौन फेंका झंडा, हर चीज, कौन घुसा, कोई बैरिकेड, कौन ट्रैक्टर पुलिस वाले पे चढ़ा, कौन डंडा डंडा पुलिस को मार रहा था, जो नाले में पुलिस सब एक साथ गिर गए, एकदम बदतर हालत बना दी। वही जो आपके रक्षक हैं, आपने उन्हीं को मार रहे हो, उनका क्या, वो ठंडी जाड़े में उन लोगों को आप पीट पीट के खत्म कर दी। तो ये बहुत दुखद है और ये बहुत पीड़ाजनक है। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे का अपमान, ये बर्दाश्त इस हिंदुस्तान में, मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के साथ, आजाद हिंदुस्तान में कोई भी 135 करोड़ का हर समुदाय कोई बर्दाश्त नहीं करेगा अपने ध्वज की का अपमान, वो कोई भी पार्टी का हो, और उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वो भाजपा का हो या हमारा विरोधी दल हो, ध्वज का, तिरंगे का अपमान बर्दाश्त ये भारत नहीं करेगा।